तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू अनदर वीडियो पे। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक रियलमी का फोन है जो कि पैटर्न लॉक लगा हुआ है, और ये पैटर्न लॉक हम भूल गए हैं और हमसे अनलॉक नहीं हो पा रहा। शायद आपका भी रियलमी का फोन हो और उसमें पिन, पैटर्न, पासवर्ड लॉक लगाकर आप लोग भूल गए हो और आपसे भी फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है, रियलमी का कोई भी मॉडल क्यों ना हो। फ्रेंड, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप रियलमी का कोई भी मॉडल यूज करते हो, चाहे रियलमी नार्जो हो, रियलमी 5 Pro या Realme 5S हो या Realme Narzo 20 Pro क्यों ना हो, तो फ्रेंड आपका फोन जब लॉक हो जाता है तो आपसे अनलॉक नहीं हो पाता है। भाई आप लोग कितना दफा आप सर्विस सेंटर या रिपेयरिंग दुकान पे जाके अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करा लेते होगे, पर एक बात आपसे मैं पूछता हूँ कि यदि आपका फोन लॉक होने के बाद अनलॉक करा लोगे लेकिन जो भी फोन में आपका डाटा होता होगा वो डिलीट हो जाता होगा, वापिस नहीं आता होगा। पर इस वीडियो में हम आपको मैं बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका फोन लॉक हो गया है, लॉक से तो अनलॉक हो जाएगा लेकिन आपका डाटा जो है वो वापस नहीं आता है। जो भी इंपॉर्टेंट इमेज होगा, वीडियो होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, जीमेल होगा, फाइल होगा, वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। पर इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन में लगे हुए लॉक को अनलॉक कर सकते हो और डाटा भी सेव कर सकते हो, डाटा भी आपका डिलीट नहीं होगा, मैं इस बात का गारंटी देता हूं। और यहाँ पे इस वीडियो में आपसे मैं पैसा भी नहीं लूंगा ना आपका ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो आइए फिर मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, और साथ ही बेल आइकन ही प्रेस कर लेना। फ्रेंड आप जैसा कि देख सकते हो कि आपका फोन में रियलमी का फोन है, तो ये अपने रियलमी का स्मार्टफोन में से सिम कार्ड या मेमोरी को पहले निकाल लेना, ठीक है ना। इसे निकालने के बाद एक बार अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद फिर आपको आ जाना होगा लॉक स्क्रीन पेज पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाने के बाद आपके फोन में पिन लॉक है, पैटर्न लॉक है या पासवर्ड लॉक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। आपको बस आपको ये इमरजेंसी कॉल का हेल्प लेना होगा। इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉल ओनली का मैसेज आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा भाई मार्च सीजन का कोड एक्टिवेट करना होगा, ठीक है ना। तो कोड एक्टिवेट करने से पहले ये काम पहले आपको कर लेना होगा। आपके फोन में लोकेशन ऑन रहेगा तो इसे आप ऑफ कर लेना और ये एयरप्लेन मोड को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे फोन में एयरप्लेन मोड है जो कि ऑन है। और सेकंड चीज क्या है कि आपका मोबाइल का बैटरी का प्रतिशत, कि आपके फोन में कितना परसेंट चार्ज है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो कि मेरे फोन में अभी 97% चार्ज, यानी कि आपका 50 से प्लस ही होना चाहिए, ठीक है ना, रियलमी के फोन में। एंड देन इसे ऊपर कर देना है और यहाँ पे हमें कोड एक्टिवेट करना होगा। पहले मैं कोड डायल कर लेता हूँ, अपने अपने फोन में नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि कोई भी एक कोड आपका छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट कोड है *05996208990#, ये कोड को डायल कर लेना होगा अपने फोन में, ठीक है ना। ये कोड को डायल करते ही आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। कैसे होगा एक्टिवेट फ्रेंड, आपके ये ऑप्शन दिख रहा होगा कॉल का, कॉल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो इसे नोटिफिकेशन को इग्नोर करके यहाँ पे ओके कीजिएगा तो ये कोड आपका एक्टिवेट हो चुका होगा, ठीक है ना। सेकेंड बार भी इसे एक इसी टाइम कॉल करना होगा, ऐसे ही देखिए यहाँ पे दो बार कॉल करना पड़ेगा, दो बार कॉल कीजिएगा तो ये कोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन इस कोड को फिर इरेज कर लेना है और यहाँ पे हमें मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करना होगा, *#899#, ये कोड डायल करते ही आप आ जाओगे इंजीनियर मोड के फाइल पे। यहाँ पे आ जाने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, 5 नंबर सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा एंड्रॉइड वर्जन नीचे 12 लिखा है, आपके अलग अलग अंक रहे, यानी कि आपके अलग अलग मॉडल के हिसाब से वहाँ पे अंक अलग अलग भी रहे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 12 टाइम वहाँ पे क्लिक कर देना होगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एंड देन 12 टाइम क्लिक कर देने के बाद इसे बैक कर लीजिएगा, मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा और सबसे लास्ट वाला पेज पे चले आइएगा, अदर्स नाम का पेज मिलेगा और डाटा बेस वर्जन पे मात्र 3 टाइम क्लिक करना होगा, 1, 2, 3। एंड देन ये लास्ट ऑप्शन रीडिंग रिसेट कंप्लीट इन डेट पे क्लिक कीजिएगा। आपके फोन में जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड लॉक होगा यहाँ पे हरा पास का जो ग्रीन
आया है वो अगर आपका आ जाता है तो समझ जाइएगा कि आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है। मात्र आपको होम बटन को क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हो कि मेरा फोन बिना डाटा डिलीट किए हुए अनलॉक हो गया, बिना पैसा वेस्ट किए हुए। देख सकते हो मेरे फोन में इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है भाई, ये अदर अदर बहुत तरह का चीज है फ्रेंड, व्हाट्सअप है, बहुत तरह का चीज है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।